हेलो एवरीवन, आज है 27 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में। देखिए, अशोक लेलैंड के शहर में एक बहुत ही बड़ी हमें रैली देखने को मिली है और उसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले इन्फॉर्म किया भी था। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे, जब इतनी बड़ी रैली आ चुकी है तो क्या प्रॉफिट बुकिंग करना सही रहेगा कि नहीं, और फ्रेश बाइंग करने की यहाँ पर कोई जगह है कि नहीं। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अशोक लेलैंड अभी 73 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो अशोक लेलैंड के ऊपर इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, वो भी इसी महीने। आप देखिए, 7 अगस्त को मैंने वीडियो बनाया था अशोक लेलैंड के ऊपर, तब शेयर 50 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल था। 7 रुपए, सॉरी, 7 अगस्त को मैंने वीडियो बनाया था, तब 50 रुपए से भी कम प्राइस पर अवेलेबल था, और उस वक्त मैंने कहा था कि बढ़िया मौका है, यहां से अब एक बड़ा रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है, एक बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है, यहां से आपको एक बड़ी मूव देखने को मिलेगी। ये मैंने आपको इसी महीने 7 अगस्त को, मतलब आज से 20 दिन पहले बताया था। इतना ही नहीं, 17 अगस्त को भी मैंने अशोक लेलैंड के ऊपर वीडियो बनाया था, तब यह शेयर 62 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था, और तब भी मैंने कहा था कि अभी भी यहां पर खरीदारी की जगह बनती है और खरीदारी की है तो बने रहने का मौका है। और आप देख सकते हैं कि आज 10 दिन बाद डेफिनेटली शेयर में एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए जिन्होंने खरीदारी की है, और फर्दर खरीदारी करने का यहाँ पर क्या स्कोप है, तो उसके बारे में हम बात करें। उससे पहले पिछले एक महीने का अगर मैं आपको यहाँ पर चार्ट दिखाऊं तो पिछले एक महीने में 48% की एक बहुत बड़ी रैली आई है, और ये वो लेवल्स थे जहां पर मैंने आपको कंटिन्यूअस वीडियो बना के अपडेट किया था खरीदारी करने को लेकर। 48 रुपीज का शेयर 72 रुपीज तक पहुंच गया, 73 रुपीज तक पहुंच गया। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में अशोक लेलैंड के शेयर में 9.5% का ग्रोथ है। देखिए, कोविड के चलते, पेंडेमिक के चलते जो गिरावट आई थी, 34 रुपीज तक शेयर टूट गया था, उस गिरावट से ये शेयर अब बाहर निकल चुका है, अब पॉजिटिव में आ चुका है, जो भी नुकसान होता है उससे ये कंपनी बाहर निकल चुकी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी 86 रुपीज तक का हाई एक साल का देखने को मिल रहा है, उम्मीद करते कि वहां तक भी शेयर पहुंच सकता है। 3 साल में अगर हम देखें तो 165 रुपए का हाई है, 34 रुपए का लो है। हर बार गिरावट के बाद तेजी की कोशिश की थी, लेकिन इस बार की जो गिरावट थी वो काफी बड़ी थी, और रीजन भी था कि भैया पैंडेमिक के चलते लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के चलते सारा बिजनेस ठप हो गया था, ना कुछ ना कोई प्रोडक्शन उनका हो पा रहा था, सारे के सारे प्लांट्स बंद पड़े हुए थे, उसके अलावा ना ही कोई बिक्रिया हो रही थी। तो देखिए, तेजी यहाँ पर हमें जरूर देखने को मिली है, क्योंकि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी तो वो काफी अच्छी और पॉजिटिव कमेंट्री थी, और इसी के चलते एक अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पर देखने को जरूर मिली है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये रैली बरकरार रहे। लेकिन उससे पहले देखिए तो लार्ज कैप शेयर है ये, 21,350 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखने जाए तो 3.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें शेयर होल्डिंग की मैं बात करूँ तो प्रमोटर के पास एक होल्डिंग है 34.73% की, और प्रमोटर है हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड, जिनके पास 34.73% की होल्डिंग है। 10% की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी भी है। 20 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपना पैसा लगाया है। 249 FIIs भी यहां पर इन्वेस्टेड हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.07% के आसपास है। छोटा शेयर जरूर है लेकिन डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है, 50% का डिविडेंड पे कर रहा है, और वो भी इन्होंने जो डिविडेंड पे किया है वो भी इसी साल मार्च महीने में किया है, मतलब 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड इस कंपनी ने पे किया है। अशोक लेलैंड की अगर मैं बात करने जाऊं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है, अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में ये शेयर है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोगों का कहना है कि बढ़िया क्वालिटी का शेयर है और ऊपर ये जा सकता है, और तो और 4% लोगों का ये भी कहना है कि अभी भी खरीदारी की है तो बने रहो, मतलब 89% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 11% लोग अब कह रहे हैं कि अब आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। और तो और अगर हम यहाँ गए तो बहुत सारी जो रेटिंग है, जैसे फिंच ने अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि ऑटो डिमांड जो है वो टूट सकती है फाइनेंशियल ईयर 2021 में, लेकिन अगर हम बात करें तो अशोक लेलैंड का जो बिजनेस है वो काफी अच्छा हो सकता है, ये जो उनके मैनेजमेंट है उनकी कमेंट्री भी हमें देखने को मिली थी।
और उस कमेंट्री के बाद शहर में एक बड़ी रैली भी हमें देखने को मिली है। और तो और अगर हम बात करने जाए, और अगर मैं कमेंट्री की बात करूँ, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री भी यहाँ पर सामने आई थी, और वो काफी शानदार कमेंट्री थी। और उस कमेंट्री के चलते शहर में हमें एक और बड़ी रैली यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो खुद धीरज जी हिंदुजा है, उन्होंने ये कहा है कि देखिए, कमर्शियल व्हीकल मेकर एंड हिंदुजा ग्रुप फ्लैगमैनशिप ऑफ अशोक लेलैंड इज री एग्जामिंग द बिजनेस एंड ऑपरेटिंग मॉडल इन अ लाइट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। तो टॉप ऑफिशियल के द्वारा ये बताया गया है कि वो अपना जो बिजनेस है और जो ऑपरेटिंग मॉडल्स है उसको वापस से री एग्जामिन कर रहे हैं। कंपनी के जो चेयरमैन है धीरज जी हिंदुजा स्टेटेड दैट द फर्म हैज टेकन अ सीरीज ऑफ इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। तो भैया चेयरमैन ने खुद कहा है कि भैया वो इनिशिएटिव ले रहे हैं कि भैया आगे आने वाले दिनों में कैसे ग्रोथ किया जाए। द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट फॉर द कमर्शियल व्हीकल सेक्टर कंटिन्यू टू रिमेन पॉजिटिव। उनका ये कहना है कि जो कमर्शियल व्हीकल का जो सेक्टर है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखें तो पॉजिटिव रहने वाला है, भले ही कोरोना हो या ना हो। एड्रेसिंग द शेयर होल्डर्स, तो उन्होंने अपने शेयर होल्डर को एड्रेस करके ये भी कहा है कि हिंदुजा सेड दैट द मैनेजमेंट हैज टेकन द अपॉर्चुनिटी इन द लास्ट फ्यू मंथ टू री एग्जामिन द बिजनेस एंड ऑपरेटिंग मॉडल्स विदाउट एनी प्री अजम्पशंस एज गवर्नमेंट बीइंग टेकन स्टेप टू रीएक्टिवेट द कमर्शियल स्पेस। उसके अलावा अगर हम कुछ चीजें यहाँ पर देखने को जाए तो उनका ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में उनका जो बिजनेस है वो ओवरसीज तक भी ये लोग एक्सपांड करने का प्लान कर रहे हैं। देखिए, विद द अपकमिंग लाइट कमर्शियल व्हीकल रेंज ऑफ प्रोडक्ट द कंपनी वाज रेडी टू एक्सपांड इट्स प्रेजेंस इन कंट्री एंड ओवरसीज। लेकिन तो देखिए यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जब से एंटी चाइना वाला हमारे में सिचुएशन चल रहा है, तब से सरकार ऐसे मेजरमेंट और स्टेप ले रही है कि जो इंडियन कंपनीज है उनको बढ़ावा दिया जाए और वो डोमिनेट करे बाकी देशों में, और अपने देश में तो सही और अच्छे से वो डोमिनेट कर ही पाए। तो उसी लिए कहीं ना कहीं एंकरेजमेंट मिल रहा है सरकार की तरफ से, और सरकार चाहती है कि जो इंडियन कंपनी है वो ज्यादा से ज्यादा अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ाए और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, ताकि जो डिपेंडेंसी उनकी बनी हुई है चाइना या बाकी कंट्रीज के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कम की जा सके। तो इसीलिए इंडियन कंपनियों को काफी ज्यादा अगर हम कहेंगे पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है सरकार की तरफ से, और अगर वो सारी चीजें अच्छी रही तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि इंडियन कंपनीज जो है वो भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये एक अच्छी खबर है, अच्छी पॉजिटिव कमेंट्री भी हम कह सकते हैं मैनेजमेंट की तरफ से। और उसी के बाद शेयर में एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नुकसान हुआ था 385 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ था इनको, लेकिन फिर भी जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो काफी शानदार थी, अच्छी थी, और शेयर में रैली देखने को हमें मिल गई। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूँ तो 45.36% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, हालांकि 10 से 11% की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी भी है। और पिछले कुछ क्वार्टर्स को अगर हम देखें तो प्रमोटर के गिरवी रखे हुए शेयर्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो भी अच्छी है, और कंपनी का जो फ्यूचर है वो भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो उसमें उतनी ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जरूर एफआई से अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया है, लेकिन उसके कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने जम के खरीदारी की है, तो अभी भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग हम कहें कि बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास देखने को मिल रही है। ओवरऑल अशोक लेलैंड के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि अभी भी जो इनका ट्रेंड है वो मुझे पॉजिटिव नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म में पहले जब शेयर 50 रुपए के ऊपर था तब मैंने कहा था कि शॉर्ट टर्म का जो टारगेट है वो 60 रुपए होगा, जब 60 रुपए अचीव हो गया था तब मैंने 75 रुपए कहा था, और 75 रुपए मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अचीव हो जाना चाहिए। तो अब मेरा जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो यहाँ पर 80 रुपए का आप मान के चल सकते हो, और लॉन्ग टर्म में जरूर आपको 95 रुपए तक के भी टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है अशोक लेलैंड में तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो करो, लेकिन एक दो चीज हमेशा याद रखना कि थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे आती रहेगी, तो अगर गिरावट आए तो पैनिक मत करना, ये है कि एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास और फर्दर खरीदारी की। आप खुद यहाँ पर देखिए 71 रुपीज के आसपास शेयर था, 2 सेशन में गिरावट आई थी, 68 रुपीज तक टूट गया, लेकिन बाद में वापस शेयर ने अपना गियर शिफ्ट किया और 73 रुपीज तक ये शेयर वापस पहुंच चुका है। तो गिरावट आएगी, और अगर गिरावट आती है तो मुझे लगता है कि आपके पास एक मौका होगा खरीदारी का। और तो और एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स भी खरीदने की गलती मत करना। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 20 ही शेयर खरीदो, फिर वेट करो। अगर गिरावट आए तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, और गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर कम से कम
एक 1.5 साल का प्लान लेके चलिए, जरूर शेयर में आपको अच्छे से अच्छा मुनाफा होगा। 1-1.5 साल का प्लान अगर आप लेके चलेंगे तो आपको बढ़िया प्रॉफिट भी होगा और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये शेयर थोड़ा बहुत मुझे बेटर भी लग रहा है। शॉर्ट टर्म का टारगेट जो जो पहले मेरा 75 रुपए का था, अब मैं उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि 80 रुपए तक जा सकते हैं शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में आपको 95 रुपए से 100 रुपए तक के भी टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अशोक लेलैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।